अब चलते हैं, आज क्या क्या माल लाया हूँ वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये बोरा में है और इधर ये झोरा में है, तो बारी बारी से सबको निकाल निकाल के दिखाते हैं क्या में। क्या। और माल छाट रहा हूँ, ये प्लाजो से लिया हूँ। ऐसा तो बहुत सारा आइटम है, ग्राहक भी बहुत आइटम खोजता है, लेकिन उतना ले जाएंगे तो जगह ही नहीं रहेगा। माइनस प्लस करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना का इनकम हुआ है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी सुबह के 7:45 हो रहा है और आज मैं 6:15 बजे ही कल जैसे ही उठ गया हूँ, और कल जैसे ही रात को 12:30 बजे ही जग गया, 4:30 बजे सोया हूँ। अभी मैं आया हूँ इधर टॉयलेट करने, तो अभी बांस की तरफ काठी की तरफ हूँ। इस साइड में जो है ना खेत उत्सव है, उधर गया था मैदान करने, अभी टॉयलेट कर लिया हूँ। अभी चलते हैं दोस्तों सीधे घर पे। अभी बांस है यहाँ पे, देख सकते हैं, तो दतुआ ने को तोड़ लेते हैं, बुध होते चलेंगे। तो ये वाला दतुआ तोड़ लेते हैं, देख सकते हैं तोड़ लिया, ये देख सकते हैं तोड़ लिया दोस्तों। तो इसको जो है ना मुँह धोते चलते हैं, नीचे से तोड़ लेते हैं, ऐसा ही चलते हैं धोते हुए घर। और घर पर चल के दोस्तों माल उसर आए होंगे और आएंगे, उसके बाद में फिर 10 बजे से, क्योंकि ठंडी का महीना है दोस्तों, ठंडी के महीना में 10 बजे से ही निकलते हैं, 10 साढ़े 10 बजे से फेरी पर। और ठंडी है, गर्मी रहता है तो 8:30 9 बजे से। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घर पर मुँह धोते हुए। और दोस्तों यहाँ का इधर का व्यू एक में 360 डिग्री, यानी कि चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं, एक देख सकते हैं। बांस दोस्तों इधर ज़्यादा है, आम है, इधर आम का पेड़ है इस साइड में, और इधर बांस सब है ज़्यादा, देख सकते हैं। इधर गाछी में ही पूरा उरा सब लगाया हुआ है, देख सकते हैं। और सामने पंचायत भवन है, सब रो पेड़ ही था, लेकिन पेड़ उड़ कटा गया, तो उधर देख सकते हैं जोताई उताई करके, और लोग जई रोपे हुए हैं भैंस के लिए, चारा जो होता है वही जई बुआई किया हुआ है। इधर आम का पेड़ सब। तो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ घर पे, और घर पे चल के फिर मिलता हूँ। तो अभी 7:45 हो गया है, और अभी आ करके मैं चाय के लिए अभी चलते हैं, माल सरियाते हैं, गमछा है और झोरा में कभी सरियाना है। पहले तो कैरेट वाला अच्छे से सरिया लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खाली उसमें उस झोला में जो है ना टावर खाली बचा हुआ, तो वही रखना है बस। और गमछा को सरिया लेते हैं, उसके बाद में फिर मिलते हैं। अभी दोस्तों 7:45 हो रहा है, तभी तो सब सरिया उरिया करके फिर मिलते हैं। 9 हो रहा है दोस्तों, और अभी सारा मैं माल सरिया लिया और झोला खाली हो गया, टावर था सब बांध लिया, खाली इतना बच गया, खाली लुंगी है इसमें, तकिया का खोल उल सब है बस। उसके बाद में सारा हो गया, गमछा भी सारा सरिया लिया, देख सकते हैं, और गमछा भी, ये झोला भी हो गया, कैरेट का तो हो ही गया है, 9:45 हो गया अभी। तो दोस्तों अभी चलते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद में फिर स्नान करके, और अभी खाना भी बन ही रहा है, तो खाना वाना खा कर जाए, अभी थोड़ा सा मेडिटेशन करके स्नान स्नान करके फिर मिलते हैं। मेडिटेशन करने के बाद जो है ना दोस्तों, ये डिसाइड किया हूँ कि जाता हूँ आज माल लाने। दोस्तों बहुत सारे ट्राउजर जो है ना ख़त्म हो चुका है, साइज जो भी साइज मतलब बिक्री सब होता है, और साइज सब खत्म हो गया, और साइज है छोटे बच्चे का है, और मानिए 10-12 साल और 8 साल, ये सब खत्म हो गया है। तो चलते हैं ले आते हैं, नाइट ड्यूटी भी ख़त्म हो गया है, लेगी भी ख़त्म हो गया है, तो कुछ ले आते हैं आइटम, मेल ख़त्म हो गया वो सब, फिर उसके बाद में कल से फिर करेंगे। तो खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे माल लाने। अभी दोस्तों टाइम 9:45 हो गया है, देखते हैं कितना बजे से निकल पाते हैं। तो फिलहाल खाना वाना खा करके फिर चलते हैं। दोस्तों मैं खाना खा रहा हूँ अभी, देख सकते हैं सब्जी है, आलू फूल गो बंधा गोभी का, और चावल है। खाना खा गए उसके बाद निकलते हैं, तैयारी हो चुका है, और टाइम दोस्तों 10 बज चुका है अभी, तो खाना खा के फिलहाल निकलते हैं। तो
दोस्तों अभी 11 बज चुका है और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और सीतामढ़ी पहुँचने भी वाला हूँ, सीतामढ़ी मार्केट। तो दोस्तों अभी चलते हैं और सीतामढ़ी मार्केट में दुकान में पहुँच करके फिर मिलते हैं। और दोस्तों ठंडा काफ़ी है आज, कल तो थोड़ा धूप भी आ गया था लेकिन आज पूरी तरह से ठंडा मौसम है, आज धूप उगने का संभावना नहीं है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों दुकान में पहुँच के, फिर वहाँ मिलते हैं दुकान पर। आ गया दुकान में और माल छाट रहा हूँ, ये प्लाजो से लिया हूँ। ऐसे तो बहुत सारा आइटम है, ग्राहक भी बहुत आइटम खोजता है लेकिन उतना ले जाएंगे तो जगह नहीं रहेगा, तो जो जो सेलिंग होता है हमारे से वो लेकर जाते हैं। तो ये सब कमी था प्लाजो, गर्मी भी बिकता है लेकिन अभी भी ये बिकता है तो ये सब ले लेते हैं। और जैकेट वगैरह मैं नहीं बेचता हूँ, यही सब बेचता हूँ। और नाइटी उटी लेता हूँ और लेगी भी और भी लेंगे, ये छाटा हूँ और छाट लेते हैं। कुर्ती उर्ती भी लेना है तो कुर्ती उर्ती ले लेते हैं, ऐसा लेना है सब छाट करके फिर मिलते हैं। अभी माल लेकर मैं आ गया हूँ और इधर देख सकते हैं ये झोरा वाला माल है, झोरा वाला लिया हूँ जिसमें ले रहा था वो वाला, और इसमें ट्राउजर उसमें नहीं था बड़ा वाला तो उसमें लिया, और छोटा वाला ट्राउजर था तो देख सकते हैं इसमें ले लिया हूँ। और दोस्तों कौन कौन सा माल है तो चल के आप लोगों को दिखाते हैं घर पे, और कितना का टोटल है वो भी दिखाएंगे, और घर पे टोटल कितना माल है वो भी दिखाएंगे। दोस्तों अभी फिलहाल चलते हैं और टाइम दोस्तों अभी पौने एक हो गया है, घर पे चल के फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी 2:45 हो रहा है, अभी घर पहुँच गया हूँ और इधर गाड़ी भी लगा दिए, और सावन कृष्णा इधर खेल रहा है, अंगूर खा रहा है कृष्णा। एक और ले ले ले, खा जान तू खा जान, हई और हई खाते वही में से ना खाते। दोस्तों अंगूर लाए तो वही खा रहे हैं सब, अभी चलते हैं सबको। ऐसे तो इधर माल लाए हुए हैं ये वाला झोरा में के और बोरा में के, ये सारा माल जो है ना 8000 के आसपास का है और 400 पेट्रोल में गया है। इस माल सबको दोस्तों गिनती करते हैं अभी, गमछा है इधर है, वो झोला में है और ये अथी कैरेट वाला है। सारे माल को गिनती कर लेते हैं, सबको हिसाब करते हैं और टोटल माल कितना का हमारे पास है। आज लाए हैं इधर 7900 का माल है और कितना 450 का पेट्रोल है, तो 79, 80, 81, 82, 83 यानी कि 83500 का टोटल माल हुआ आज का। और ये सबको गिनती करते हैं कितना। दोस्तों अभी एक घंटा समय लगा है, सारे को गिनती कर लिया हूँ और हिसाब भी कर लिया, एक पेपर कॉपी पर लेकर चलते हैं देख सकते हैं। यह तो सारे हिसाब कर लिया हूँ दोस्तों, ये टोटल माल हमारे पास जो है ना ये लाइन में पूरा हिसाब किया हूँ, 94,73 और इधर है 26,24, दोनों में लगता रहता है 12,097, यानी कि 12,097 रुपया का माल है हमारे पास, जिसमें 8,350 रुपया आज माल लाए हैं, तो टोटल मिला दिए तो हो गया 20,447 रुपया। तो दोस्तों हमारे पास आज इस समय टोटल माल 12,447 रुपया का है और कैश 330 रुपया है, तो उसको भी ऐड किया है आप लोगों को डायरी को लेकर चल रहे हैं फाइनली। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है डायरी हमारा, जब जब माल लाते हैं वो सब हिसाब किए हैं, नया डायरी बनाए हैं January 2024 से, तो 3 बार माल ला दिए हैं। तो देख सकते हैं आज 10/1/24 है, आज का लिखे हैं 20,447, 330 कैश, 883 माइनस में है, यानी कि एक खर्च हुआ है। तो तीनों का ऐड करते हैं, इसको 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 तीनों का ऐड करते हैं तो हो जाता है 21,660 और 3 तारीख को यहाँ पे देख रहे हैं, 3 तारीख को यहाँ पे 3 तारीख को देख रहे हैं तो 3 तारीख को है टोटल 18,772 और आज है 21,660। तो दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना का इनकम हुआ है 3 तारीख से आज 10 तारीख तक। तो चलिए दोस्तों ये इतना हुआ आज हमारा, आज की डेट में 21,660 टोटल माल और कैश मिलाकर सब है। और दोस्तों अब चलते हैं आज क्या क्या माल लाया हूँ वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये बोरा में है और इधर ये झोरा में है, तो बारी बारी से सबको निकाल निकाल के दिखाते हैं क्या क्या लाया। तो चलिए पहले झोरा में का निकालते हैं, झोरा में क्या क्या है। तो लेगी प्लाजो है, सियान वाला लेगी प्लाजो है और प्लाजो और 10 साल वाला लड़की का है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं साइड में।
उसके बाद जिस दुकान में ये झोला वाला एक दुकान का है और ये बोरा वाला एक दुकान का है, दो अलग अलग दुकान का है। तो वो लेगी प्लाजो हो गया, उसके बाद में ट्राउजर है और इसमें और साइज था और साइज नहीं था, तो जो साइज था वो उसमें ले लिया, जो नहीं सर साइज वो दूसरे में लिया, तो ये तीनों एक ही में लिया। उसके बाद में सूती वाला प्लाजो सब है, सियान वाला यही सब। और दोस्तों ये लेगी है, अच्छा वाला है, लैलू नहीं है लेकिन अच्छा वाला प्लाजो है, चार ही पीस था तो यही लिया है, देख सकते हैं। ये नाइटी लिया है दोस्तों, नाइटी है। और ये ठंडी वाला कुर्ती है, एक पीस खोल के दिखाते हैं। देख सकते हैं इस तरह का है, ठंडी वाला कुर्ती है, देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है। फर्स्ट टाइम लाया है और चार दिन का टाइम दिया है कि अगर चार दिन में नहीं बिकेगा तो वापस ले आना, तो ले लिया है, पंखा ऑफिस लिया है। और उसके बाद में एक कुर्ती लिया है, 10 पीस कुर्ती, ये 100 रुपये वाला लहंगी लिया है, ऐसा वो तो लैलिन वाला है, 50 वाला, ये 100 वाला है। और ठंडी वाला लहंगी है, लहंगी बोलते हैं, ट्राउजर भी बोलते हैं, उसको पीस खोल कर दिखाते हैं कैसे है, देख सकते हैं सियान वाला है, लेडीज लड़की लोग का है। तो ये हो गया लेगी, तो ये सारे तो एक दुकान में का हो गया, एक खाली हो गया। और दूसरा वाले में से क्या लेना है तो देख सकते हैं, इसमें से यह पेंटी है, यह ब्लूमर है, यह लड़की का, ये वाला 5-6 साल का ब्लूमर। और है इसमें हाथी प्लाजो दे सकते हैं, 4 पीस। और था ही थोड़ा सा मेल खत्म था, तो वो लाए कलर खत्म था, तो लाए ये लेगी है, कौन साइज है, एम साइज। और 5 पीस एस साइज, 5-5 पीस दोनों साइज है, एस और एम। भालू वर्ली 5-6 कलर का इसमें रहता है, सब इसी बगल में। और ये टोपी है, सियान वाला टोपी ये लाए हैं। और एक ट्राउजर है, 5 साल बच्चे का ट्राउजर, 3 साल वाला। और उसके बाद में ये सब है, साल भाई साल से नीचे का जो है ना साइज है, था ही तो सही नहीं लिया, साल भर से ऊपर का लिया, ये सब 5 साल वाला। ये वाला है 8-10 साल बच्चे का टाउजर है। तो यही सब जस्ट बस इतना है सामान लाया टोटल दोस्तों, सारे को तो दिखा दिया, निकाल करके देख सकते हैं इधर। और अब चलते हैं सबको सरिया लेते हैं, टाइम अभी हो गया है लगभग 4:30 दे सकते हैं बाहर का भी, तो चलते हैं सबको सरिया लेते हैं। तो दोस्तों फैलने अभी 5:15 है और धीरे धीरे अभी अंधेरा हो रहा है दोस्तों, और अभी पूरा सरियाया हुआ है, अभी सारा माल सरिया लिया। और दोस्तों अभी आ गया इधर घूमने पंचायत भवन की तरफ, तो एक प्राइवेट स्कूल है छोटा सा, तो देख सकते हैं इस तरह का व्यू है, इधर पंचायत भवन है इधर का व्यू। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ घर दोस्तों, रात हो गया है, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, और अभी चलते हैं खाना खाने। और देख सकते हैं इधर खाना है हमारा, आलू गोभी सब्जी है, रोटी है, खा रहे हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, और दोस्तों वीडियो को अगर छोड़ छोड़ कर देखे हैं कट कट करके, तो लगातार देखिए पूरी समझ में आएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट किए हैं तो उसका जवाब मिल गया है कि मैं कौन कौन सा कपड़ा इस समय बेचता हूँ। और साथ ही साथ रहा बात पूरा दिखाने का, तो कल का वीडियो में दिखा देंगे टोटल कैरेट के साथ में किस तरह से बांधते हैं,
और कौन कौन सा कैरेट में कपड़ा है सब दिखा देंगे। तो बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि क्या क्या बेचते हैं इस समय, थोड़ा फिर से दिखाइए दोबारा, तो दिखा देंगे। और दोस्तों एक और बात, एक और भाई कमेंट किया था कि आपका मैडम बहुत अच्छी है। तो दोस्तों सारा इंसान जो है ना अच्छा होता है, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग होता है सबका। नहीं तो हर इंसान अपने आप में खुद में बहुत ही व्यस्त होता है, यही बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में। गुड नाइट।